सभी साथियों को लाल सलाम। वासो की तरफ से मैं कुछ बातें रखूंगा यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम सबको पता है कैसे 20,000 लगा के फाइन करके पनिशमेंट विभिन्न तरीके से सस्पेंशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर देना हॉस्टल ट्रांसफर से लेके क्या नहीं ये वीसी कर रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। और ये जो पनिशमेंट दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपना आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ क्यों उठाते हैं, प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना पढ़ाई, अपना जो मूलभूत अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट टू हैव प्रॉपर एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन, हमारा राइट टू हायर एजुकेशन, ये जो हमारा राइट है इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों के ऊपर इतना बेरहम तरीके से हम लोगों के ऊपर ये सब पनिशमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसका अलग दूसरा पहलू भी है। अगर आज देखेंगे तो सिर्फ JNU में नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं, पूरा देश का ही यही हालत है। आप देखिए मंदसौर में जब किसान अपने मूलभूत अधिकार को लेके जो कर्जा माफी का जो डिमांड को लेके वहाँ पे सड़क में उतरते हैं हजारों हजार, सौ सौ के मात्रा में, तब पुलिस उनको गोली चलाता है। यही सरकार है जो बोला था कि अब की बार मोदी सरकार किसानों का बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यही सरकार है आज किसानों पे खुलेआम यहाँ सिर पे गोली मार रहा है। तो आज हम लोगों को ये नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई आइसोलेटेड घटना हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। 9 फरवरी में जो हुआ, कन्हैया के ऊपर सिडिशन लगाया गया, उमर के ऊपर सिडिशन लगाया, तमाम कॉमरेड्स के ऊपर सिडिशन और कितने सारे विचन चलाए गए। लेकिन ये एक सिर्फ एक पहलू है बड़ा कहानी का। हम लोगों को पता है जिस तरीके से आज मार्जिनलाइज्ड दबे कुचले कम्युनिटीज के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। अब देखिए जुनेद के ऊपर, जुनेद का जो केस है उसको बोला गया कि ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है, इसको मारो। और दिन दहाड़े कोच के अंदर में जनरल डब्बा में उसको वहां पे मारा जाता है मॉब के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ऊना जब घटना हुआ था लास्ट ईयर पिछली बार गुजरात में दलितों को, चार दलितों को वहां पे खुलेआम वहां के जो दबंग RSS के गुंडे हैं मारे थे, वहां पे बोल रहे थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। ये जो मुखौटा है कि मुझे मारो, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये वही सरकार है जो रोहित वेमुला को मारा था, ये वही सरकार है जो यहाँ पे HCU में, HCU से लेके FTII में और जादवपुर में, जामिया में और तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में जब दलित, पिछड़े, शोषित स्टूडेंट्स जब अपने हक और अधिकार के लिए जब सड़कों में उतरते हैं और अपना अधिकार लगाते हैं, तो वही सरकारें लाठी बरसाती है, वही सरकार हम लोगों के ऊपर ये सब विचंड करके हम लोगों को मजबूर कराता है हम लोगों को खुद सुसाइड करने में। तो इस सरकार से ये मोदी जी जब बोले कि दलितों को मत मारो, मुझे शूट मी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मोदी साहब, आप जो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, फ्रांस में कुछ लोग मर गए, स्पेन में कुछ लोग घायल हो गए, तो एक मिनट नहीं लगता मोदी जी का ट्वीट आने में। लेकिन यहीं पे जब नजीब गायब होता है JNU से, खुलेआम उसको मारा गया ABB के गुंडों के द्वारा। और उन लोगों के खिलाफ जो डिपोजिशन भी हुए, बहुत सारे डिपोजिशन यहाँ पे प्रॉक्टर्स ऑफिस में, और प्रॉक्टर्स ऑफिस का रिपोर्ट भी बोलता है ABB के गुंडे यहाँ पे शामिल है और उन लोगों के ऊपर कुछ पनिशमेंट देना चाहिए और ये उन लोगों ने क्राइम किया है। फिर भी उन लोगों को शील्ड करके ये VC यहाँ पे जो बैठा है,
मोदी साहब का जो यहाँ पे चमचा बैठा है भीवा टंडन से लेके आपका रजिस्ट्रार रेक्टर सब लोग यहाँ पे शील्ड किए थे तब जब यहाँ पे नजीब को पीटा गया था। नजीब का आज एक साल होने वाला है। हम लोगों को पता है यहाँ पे जब नजीब को लेके जब ब्रिंग बैक नजीब वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे ये फ्रीडम स्क्वायर में, यहाँ पे नजीब का माँ और उनके कजन बहन यहाँ पे आके दिन रात यहीं पे बैठते थे और यही प्रॉक्टर यही रेक्टर और यही वीसी ये एक बार भी मिलने से ये लोग इनकार किए थे। और उल्टा जब वहाँ पे नजीब के माँ वहाँ पे गए थे अंदर में मिलने जबरदस्ती एक रिक्वेस्ट करके तो बोला गया था आपको हम कोर्ट में देख लेंगे। इतना शर्मनाक यहाँ पे खुलेआम गुंडागिरी चल रहा है। ये गुंडा राज है ओपनली। और कल जो अभी सोशल मीडिया में और मीडिया में चल रहा है कि टैंक वाला हमारा डीसी का दूसरा पहलू भी दिखाई दिया कि उनको टैंक और हथियार गोला बारूद से बहुत प्यार है। पता नहीं कैसे साइंटिस्ट है कैसे प्रोफेसर है क्या कौन सा किताब पढ़ के आए हैं यहाँ पे बीसी बन के बैठे, लेकिन यहाँ पे बीसी बन के यहाँ पे चमचागिरी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब से आए हैं दो हफ्ता नहीं हुआ था यहाँ पे बीसी का अपॉइंटमेंट। 9 फरवरी में जो कांड हुआ उसके बाद हॉस्टल में पुलिस ला के यहाँ पे पूरा रेड करके गर्ल्स हॉस्टल में जाके प्रत्येक रूम में जाके छापा मारने का काम भी यही बीसी ने किया था। हम लोगों को ये आज यहाँ पे क्लियरली रखना पड़ेगा। और आज ये जो अटैक है पूरी तरीके से आप देखिए, पिछले बार जो एसी मीटिंग में हमारे कॉमरेड्स यहीं पे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव कैसे अतुल जौहरी जैसे संगी जो एसी मीटिंग का वो हिस्सा भी नहीं है, इज नॉट इवन अ मेंबर, उनको वहाँ पे बुलाया जाता है पहले ही स्टेज एक वहाँ पे होता है मौका देख के, जब छात्र यहाँ पे नहीं है जब छुट्टियाँ चल रही है तब एसी मीटिंग बुलाया जाता है और कॉमरेड तबरेज को वहाँ पे हैकल किया जाता है। ये वीसी और वीसी कुछ नहीं बोलता है वहाँ पे, उल्टा ये बोला जाता है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है एसी मीटिंग में ये तो इल्लीगल है, ये हम लोग ये तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों का कुछ हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे, आपका नोट ऑफ डिसेंट भी रजिस्टर नहीं करेंगे, आपका जो वक्तव्य है यहाँ पे कुछ हम लोग रजिस्टर करने वाले नहीं है। और सस्पेंड कर दिया है इसी ने एसी मीटिंग से। और जो भी डेमोक्रेटिक बॉडीज है हमारा, आप लोगों को पता है हमारा ढाबा कल्चर जो है, ढाबा में हम लोग पहले जो भी ढाबा से ही मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने क्लास से ज़्यादा ढाबा में सीखा है, जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता है जो भी तमाम तरीके का जो डिस्कशन होता है बातचीत होता है ढाबा में बैठ के हम लोग चाय के साथ, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है बोला जा रहा है कि 11 बजे के बाद कोई भी ढाबा नहीं खुलेगा। गंगा ढाबा को भी बंद करने वाले थे लास्ट ईयर ये लोग और अभी भी नोटिस भेज रहे हैं और बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद उन लोगों को ये मानना पड़ा कि गंगा ढाबा खुलेगा। लेकिन ये क्या दर्शाता है, ये वही दर्शाता है कि ये वीसी यहाँ पे हम लोगों का जो भी डेमोक्रेटिक स्पेस है इसको खत्म करने के लिए आया है और यहाँ पे नोटिस के बाद नोटिस फाइन के बाद फाइन के ऊपर फाइन पनिशमेंट 20,000 10,000 हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोग कॉमरेड्स हमारे संगठन के साथ कल बैठ के पूरा हिसाब लगा रहे थे कि लास्ट 1.5 ईयर में एक वर्ष में डीसी के आने के बाद कितना पनिशमेंट हुआ है कितना फाइन हुआ है हमारे सभी एक्टिविस्ट के ऊपर। 4 लाख से ज़्यादा अभी यहाँ पे हम लोगों का फाइन हो रहा है। ये इतना पैसे से क्या करते हैं ये लोग, और दुआई देते हैं टैक्स पेयर्स मनी का। आप एक्सटॉर्शनिस्ट हो, आप लुटेरे हो, ये बात हम लोग यहाँ पे बोलना चाहिए। हम लोगों को ये बैज ऑफ ऑनर लेके चलना चाहिए आज की हम लोग
यहाँ पे अपना अधिकार के लिए, अपना स्पेस के लिए, अपना डेमोक्रेटिक जो अधिकार है उसको डिफेंड करते हुए हम लोग यहाँ पे, हम लोगों के ऊपर पनिशमेंट हो रहा है और इसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। ये एक चैलेंज है, वीसी ने हम लोगों को चैलेंज किया है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज, हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग कलेक्टिवली इसको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुलायम ने बोला सही बात है, डिफरेंसेस है, बहुत सारे हमारे इंटरनल डिफरेंसेस है, लेकिन आज ये स्थिति आ गया है। ये वीसी ने हम लोग को मजबूर कर दिया है कि हम लोग साथ में आके इस ये सब जो भी पनिशमेंट हो रहा है, विचंड हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग साथ में मिलकर आज लड़े। तो ये सिर्फ एक कोई यहाँ पे गुंडागिरी तो चल ही रहा है वीसी का, लेकिन हम लोग भी एकजुट होने का एक मौका है। हम लोग जेएनयू को बचाएंगे और जेएनयू को हमारा जो अधिकार है, जो फंडामेंटल, जो हमारा स्टूडेंट्स होने के साथ नाते हम लोगों का जो अधिकार है, इसको हम लोग डिफेंड करके ही रहेंगे। बहुत सारा चीज़ हो रहा है देश में आज, ये तो एक पहलू है जैसे मैंने बोला, लेकिन आज हम लोगों को पूरा सॉलिडारिटी बना के एक कलेक्टिवली एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हम लोग बासों की तरफ से पूरा सॉलिडारिटी में ये सब लड़ाई में, कल जेएनयूएसयू ने प्रोटेस्ट बुलाया है यहाँ पे, हम लोग इसमें शरीक रहेंगे और आने वाले दिनों में और भी इसको मजबूती से, ऑर्गेनाइज तरीके से एकदम इसको हम लोग कलेक्टिवली फाइट करना पड़ेगा। और मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ सभी डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, टू कम टुगेदर एंड फाइट दिस पपेट वीसी, दिस एक्सटॉर्शनिस्ट वीसी, ये लुटेरा वीसी जो है, इसको बाहर खदेड़ना पड़ेगा। और इसके बाद ही हम लोग अपना डिफरेंसेस जो भी है उसको भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके साथ ही मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथी।